भोजपुरी फिल्म तो एक, चूँकि आप लोग भोजपुरी वासी हैं, हम भी बिहार से हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्म से नहीं जुड़ा हूँ। मेरी जो कार्य मतलब नेचर ऑफ वर्क जो है फिल्म रिलेटेड, मैं तो और भी बहुत सारे काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट एक फिल्म के माध्यम से आप लोग जानते हैं इसलिए इसकी चर्चाएँ हम करते हैं। तो मैं हॉलीवुड फिल्म्स में भी मैं लोग को प्लेस करूँगा, मैं हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, पंजाबी भी कर रहा हूँ, स्पेनिश फिल्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। आपको हम मिलवाने जा रहे हैं फिर से अभिषेक जी से, और पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में आप लोगों को इनसे रूबरू कराया था, वो शेरे बिहार जिन्होंने लंदन में अपने आप को अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवहार से, इनको लंदन में लोग किंग कहते हैं, और आज अभिषेक जी से मैं फिर आप लोगों से रूबरू कराऊँगा। तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि मैं उस दिन नहीं कर पाया था, चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी इनसे चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती है, तो तमाम बड़े बड़े कलाकारों से भी हमारी बात हुई तो लोग कहते हैं अरे अभिषेक जी तो भाई दरिया दिल है, उनकी क्या कहना है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बिहार में, लंदन से बिहार में वापसी आए तो कहीं ना कहीं ये तो पता चला कि कुछ नया करने वाले हैं। एक म्यूजिक कंपनी का आपने नाम रखा था किंग म्यूजिक वर्ल्ड, जो अपने किसी भाई को सपोर्ट करने के लिए, तो आप वो कंपनी आपने लॉन्च किया और कंपनी में बहुत सारे गीत को भी आपने सिंगरों से बातचीत किया। हाँ बिल्कुल, ये कंपनी जो है मेरे भाई से बातचीत हुई कि भैया आप आ रहे हैं, बहुत सारे कलाकार अब हमको बात करते रहते हैं, और वो भी इंजीनियरिंग करके अपना साधारण नौकरी कर रहा है और उसको भी इंटरटेनमेंट में इच्छा, जैसे कि हर किसी को होता है, तो बोले ठीक है खोल दो। तो तकरीबन हमने करीब 20-25 कंटेंट हमने खरीद रखा है छोटे छोटे सिंगरों का, इसलिए कि उनको उसका लाभ मिले, और बहुत सारे सिंगरों के साथ जो है हमारी बात भी चले, वही करता है, हम तो सिर्फ पैसा देते हैं। भोजपुरी की यदि बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो लोग भी काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे वो एक्टिंग के फील्ड में हो, गायकी के फील्ड में हो, या जिस क्षेत्र में हो, राइटिंग स्किल, बहुत सारी चीज़ें, आप कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर कहा जा सकता है आपको, चूँकि प्रोड्यूसर की तरह आप काम करते हैं, फिर प्रोड्यूसर लोगों से जुड़ के काम करते हैं या सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारे वर्क है आपके जिम्मे, चूँकि बहुत बड़ी कंपनी आपकी लंदन में है। बिहार के बारे में आपने क्या सोचा है? चूँकि कहीं ना कहीं देखिए बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता है, तमाम बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, भोजपुरी बोलते हैं लेकिन भोजपुर के बारे में नहीं सोचते हैं, भोजपुर का उत्थान कैसे हो, भोजपुर का विकास कैसे हो। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो कि मारे फिर रहे हैं, उनको कहीं स्कोप नहीं मिल रहा है, उनको कहीं करियर नहीं दिख रहा है। आप तो लंदन में रहते हैं और लंदन में तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपकी है, बहुत सारे कंपनी है, तो आपने क्या सोचा है बिहार के बारे में? आप भी कुछ सोच रहे हैं या फिर वैसे ही चलता रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए बिहार के बारे में ही हम सोच रहे हैं, तभी आप लोग के बीच में बैठे हैं और आप लोग के साथ रेगुलर मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, साथ में इंटरटेनमेंट मिनिस्टर जितेंद्र यादव जी से भी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, दोबारा फिर उनके साथ मीटिंग है, और कुछ पदाधिकारियों से भी मीटिंग हुई। कला एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप बॉलीवुड जाएँ या पंजाबी जाएँ, कोई भी मतलब इन जनरल मैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, बिहार की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सॉरी इंडिया की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आर्टिस्ट के बाद बैकएंड में जितने लोग काम करने वाले लोग हैं वो या यूपी के हैं या बिहार के हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, कोई मामा चाचा के जानने वाले के साथ जिनको जानते हैं उनके साथ बॉम्बे पहुँच जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करते बेचारे कभी बहुत सालों के बाद डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, डीओपी बनते हैं और भी टेक्निकल स्टाफ बनते हैं। बट मैंने क्या सोचा कि अगर उस चीज़ को हम एजुकेशन में डाल दें, क्योंकि किसी जगह का विकास आपको करवाना है तो बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता है जब तक लोगों को एडुकेट नहीं कीजिएगा। तो हमारी बात चल रही है, ऑलरेडी हम पॉलिटेक्निक कॉलेज है बिहार में, गिरजा देवी कॉलेज, वहाँ मेरे मैं खुद 12 बच्चों को 10-12 बच्चे, कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? 12 बच्चे ये भोलू हैं हमारे, ख्याल रखते हैं, भाई हैं, और इनके माध्यम से हम गरीब बच्चों को, इनके उम्र के गरीब बच्चों को हम पॉलिटेक्निक यहाँ करवा रहे हैं। तो यही सोच आई, अगर मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ के वो बाहर निकलेंगे तो उनके एक ही कंडीशन दिया हूँ कि बाबू जब तुम कुछ करना तो तुम भी किसी गरीब को पढ़ाना।
तो उसी तरह से हमने भी सोचा कि अगर हम इस तरह का कोई कॉलेज की व्यवस्था कर देते हैं बिहार में, और सर्वे किया तो आरा से सबसे ज़्यादा कलाकार हैं, गायक हैं, म्यूजिशियन हैं, हर तरह के लोग हैं, कोरियोग्राफर हैं, तो आरा को मैं आइडेंटिफाई किया हूँ और वो रास्ता भी दिल्ली की ओर जाती है, बॉम्बे की ओर जाती है। तो आरा में मेरा विचार है, अभी आपकी इंटरव्यू के बाद मैं आरा जाने वाला भी हूँ, और वहाँ पे ज़मीन कुछ लोग मुझे दिखाने वाले हैं। अगर ज़मीन आइडेंटिफाई होती है तो बहुत जल्द आप लोग की आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, मैं आरा के अंदर एक एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलूँगा, ये मेरे विचार में है। ट्रेनिंग स्कूल खोल, जी जी जी। तो चलिए, एक बहुत बड़ा खुशखबरी ही कहा जा सकता है, चूँकि भोजपुर के लिए, चूँकि कहीं ना कहीं भोजपुर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों में एक्टिंग की होड़ है एकदम, कि नहीं मुझे कलाकार बनना है, लेकिन किसी भी तरह चल रहा है तो चल रहा है। तो एक खुशखबरी तमाम भोजपुर वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए कही जा सकती है, चूँकि देखिए अभिषेक जी रहते तो लंदन में हैं, रहने वाले गया के हैं, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ भोजपुर को इन्होंने चुनाव किया है, और भोजपुर में वो भी आरा का चुनाव किया है कि चलिए भोजपुर में हम एक बढ़िया एक्टिंग स्कूल खोलेंगे, जहाँ पे वो तमाम प्रतिभावान बच्चे हमारे उस स्कूल में आएंगे और उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वो उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को काम करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, काम करने के लिए भी उनको ट्रेनिंग का मतलब मकसद ही यही है। हाँ। कि देखिए आजकल क्या होता है, करेक्टर आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, कोई भी फिल्म उनके बगैर बन नहीं सकती है, DOP के बगैर बन नहीं सकती है। आजकल इतने सारे शॉर्ट वीडियोज़ बनते हैं, वो भी तो पैसे लोग लेते ही हैं ना, एक बेरोजगारी आप खत्म करने के काम। मेरी कोशिश ये है कि वो सीखें पढ़ें, और उनको हम सब प्रोड्यूसरों के बीच में मैं जाऊंगा, अभी तो मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, मेरी कोशिश पहल रहेगी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं छोटे बड़े, चाहे वो छोटी भी क्या उसको बोलते हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी क्यों ना बनाते हो, जो भी पैसा खर्च करते हैं इंटरटेनमेंट पे, मैं हर किसी को एकत्रित करना चाहूँगा और हर किसी से बोलूँगा कि इस स्कूल को सपोर्ट कीजिए, ताकि इस टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए और उनको प्लेसमेंट दीजिए, और वहाँ से लोगों की जर्नी बिगेन होगी, कल हो के वहाँ से कोई निकल के प्रकाश झा बन सकते हैं, कोई अपने अनुराग कश्यप बन सकते हैं। टैलेंट तो किसी की जागीर नहीं होती है ना, वो तो कहीं भी, वो तो हीरा है। क्या बात है, नहीं अभी तक तो हमको लगा था कि आप लंदन से आए हैं तो सिर्फ आप एक म्यूजिक कंपनी लॉन्च करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी बात करने के बाद हमें ही नहीं तमाम दर्शकों को भी पता चला कि नहीं भाई अभिषेक जी कुछ अलग सोच के आए हैं, बिहार को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। बिल्कुल, सोच देखिए, सोच बिल्कुल अलग है, तभी हम कर रहे हैं। अब मुझे बिहार के दर्शक जो सुन रहे हैं, आप लोग भी जान जाइए, ना मुझे घर बनाने की ललसा है, ना मुझे गाड़ी खरीदने की ललसा है, ना मुझे बैंक बैलेंस करने की ललसा है, ना मुझे बड़ी बड़ी हॉलीडेज। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, हर दिन करता हूँ, हवाई जहाज से ही चलता हूँ, बड़े बड़े होटलों में ही रुकता हूँ, तो अब मैं और क्या कर लूँगा। लेकिन अगर किसी एक बच्चों को भी मैं अच्छे से उनको जगह तक पहुंचा दूं, मैं सबका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता हूं, वो मेरी क्षमता में नहीं है, ना मैं सरकार हूं, ना मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं हर किसी को खुशहाल बना दूं, अगर एक को भी मैं कर दिया, एक को भी मैं बना दिया, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे अब देखिए ये बच्चा अपना कारोबार छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाते हैं, ऐसे ऐसे और भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, शादी विवाह में भी मदद मैं करता हूँ। क्या भोलू जी क्या कहेंगे, अभिषेक जी क्या कहती आपके लिए? सर हमारे दो तीन घर में बहन थी, उनकी शादी में बहुत सारे मदद किए, जेवर से लेकर हर एक चीज़, खाना की भी व्यवस्था किए, टोटल चीज़, हमारे मित्र सबका भी ज़्यादा से ज़्यादा भी मदद किए हैं, हमारे यहाँ भी नहीं UP में भी मदद करते हैं, हमारे दोस्त दोस्त रहता है। UP के रहने वाले हैं? हाँ, मैं UP का कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं। भैया बहुत मदद किए हैं, आज से नहीं, भैया को हम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, हर कदम से कदम जुड़ा कर रहते हैं। देखिए सब अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरे के लिए कुछ करके देखिए, फिर आपको देखिए कितना आनंद आता है, जब वो व्यक्ति आपके बारे में प्रशंसा करता है कि उन्होंने मेरे लिए ये किया। जैसे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जैसे इनको पता चला कि नए अभिषेक जी आए हुए हैं तो ये दौड़े चले आए इनसे मिलने के लिए, या सारा काम छोड़ छाड़ गए। तो आपको किसी को अपना बनाने के लिए उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये रहते हैं लंदन में, लेकिन देखिए इनकी सोच पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी 10-12 बच्चों को ये पढ़वा रहे हैं अपने माध्यम से, या और भी इनकी अच्छी सोच है। इनको बंगला नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, सब कुछ ईश्वर ने इनको दे रखा है,
बस इनको ये चाहिए कि हमारे बिहार के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन लोगों में टैलेंट है, उन लोगों को एक अच्छा जगह मिल जाए, एक अच्छी मंजिल मिल जाए। और इसके लिए इन्होंने आपके भोजपुर आरा को इन्होंने चुना है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आरा में काफ़ी टैलेंट है, एक से एक प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि आगे जा सकते हैं, स्कोप है। और ऐसे भी आरा एक सेंटर है, बहुत नज़दीक भी है, बिहार के तमाम बच्चे वहाँ जा सकते हैं। तो जगह सेलेक्ट करना है, कहीं देखना है, चैन। हाँ, अभी जा रहे हैं बिहिया के आसपास, हम देखने वाले हैं बढ़ारा विधानसभा में कुछ लोग से बातचीत हुई है। अब देखिए, ज़मीन मिलना थोड़ा सा बहुत टफ काम है बिहार में, बट लोग का सहयोग रहेगा तो मिलेगा, इससे उनका ही फायदा है। मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं तो तैयार बैठा हूँ, नहीं सपोर्ट करेंगे तो भी उनका फ़ायदा है, शायद कुछ अच्छा होना और भी लगा होगा। तो हाँ, बिल्कुल बिहार में सोचे हैं और बहुत कुछ करेंगे। देखिए, भोजपुरी फिल्म तो एक, चूँकि आप लोग भोजपुरी वासी हैं, हम भी बिहार से हैं, तो इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ भोजपुरी फिल्म से नहीं जुड़ा हूँ। मेरी जो कार्य, मतलब नेचर ऑफ वर्क जो है फिल्म रिलेटेड, मैं तो और भी बहुत सारे काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट एक फिल्म के माध्यम से आप लोग जानते हैं, इसलिए इसकी चर्चाएँ हम करते हैं। तो मैं हॉलीवुड फिल्म्स में भी मैं लोग को प्लेस करूँगा, मैं हिंदी फिल्म भी कर रहा हूँ, पंजाबी भी कर रहा हूँ, स्पेनिश फिल्म किया हूँ, इंग्लिश, तो हर तरह से हम टैलेंट को बढ़ावा देंगे। बिहार को एक बड़े लेवल पे लेकर जाना है, पैसे तो कोई देखता नहीं है, लेकिन नाम, देखिए कहावत है कि भगवान कहते हैं कि नाम को काल भी नहीं खा सकता है, नाम कभी मरता नहीं है, तो नाम बनाना है। आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया, विदेश में इतना प्यार दिया, और लंदन के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मेरे बहुत चाहने वाले लोग हैं, और मैं वहाँ भी बिजनेस करता हूँ। तो नाम बनाना है, पैसे की अब उतनी कोई लालसा नहीं है, नाम बनाना है क्या अच्छे काम से, अच्छे काम से। क्या बात है, तो तैयार रहिए, आपके भोजपुर में एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग स्कूल खुलने जा रहे हैं, जहाँ से आप अपने प्रतिभा को डेवलप कर सकते हैं, आप वहाँ पे एक्टिंग सीख सकते हैं, और आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे फिल्मों में जगह मिलेगा, सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं, उस एक्टिंग स्कूल में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को अलग अलग फील्ड में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहेंगे, हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी में, बॉलीवुड में, जहाँ जाना चाहें उन लोगों को, चूँकि अभिषेक जी तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, लंदन में रहते हैं, रहने वाले हमारे बिहार के हैं, और लंदन में इनको किंग के नाम से जाना जाता है। अभी एक म्यूजिक कंपनी भी ये लॉन्च किए हैं अपने भाई के लिए, किंग म्यूजिक वर्ल्ड, तो किंग म्यूजिक वर्ल्ड को भी आप लोग को सपोर्ट कर रहा है, चूँकि देखिए कहीं ना कहीं ये जब आप लोग को सपोर्ट के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो ये किसी और को मदद करने के लिए, अपने एक भाई को मदद करने के लिए कंपनी खोले हैं, उसको भी खड़ा करना आप लोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, चूँकि ऐसे ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ेंगे तो बहुत विकास। म्यूजिक कंपनी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में अनाउंसमेंट जो किया कि आप लोग 1 मिलियन पहुँचाइए और 10 पत्रकार को मैं विदेश का हॉलीडे दूंगा, तो ये मोटिवेशन है। कोई ये किंग्स म्यूजिक वर्ल्ड जो भी मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मैंने अपने भाई को भी कहा है कि ठीक है, इस बहाने तुमको मदद नहीं कर रहे हैं, छोटे बड़े कलाकारों को भी मदद कर रहे हैं, उनकी सैलरी मिल रही है, वो अपना मोबाइल खरीद रहे हैं, उनको पता है कि भैया के साथ जुड़े हैं तो साल का 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया हम कमा रहे हैं, और उसमें जो इनकम होगी उसकी भी मेरी प्लानिंग है, उसकी इनकम से मैं गरीबों में ही बांट दूंगा। मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, ये नहीं कि वो म्यूज़िक कंपनी से मैं 5 करोड़ रुपया कमा लिया तो मेरे को फॉर्चुनर खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो भी बांट ही देना है या उसी में लगाना है। तो आप लोग के ऊपर है क्या क्या कमाइएगा, मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक और मेरा मॉडल है, देखिए किसी को आप मदद करते हैं जमा पूंजी से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो हम आपसे ही कमा के आपको लगाने के मॉडल पे हम हैं, ये मैं सोचा हूँ। जैसे एक्टिंग स्कूल खोलना है तो आपको मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, आपको मैं प्लेसमेंट दे रहा हूँ, उससे जो भी पैसे आएंगे, एक संस्था बन रही है आरा में भी, मैं आपको पता ही है, आपने मिला है कि हमारे भाई हैं वहाँ, तो उनके माध्यम से फिर जनसेवा करूँगा उसी इनकम से। कुछ सरकार से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि जो अति पिछड़े बच्चे हैं, जो अति पिछड़े का मतलब मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से पिछड़े, गलत शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया, किसी भी जात का हो, तो मैं कोशिश करूँगा अनुदान कुछ दे दीजिए, क्योंकि संस्था खुलेगी तो मेरे तो पैसे लगेंगे ही, साथ में
गवर्नमेंट भी अगर उसमें कुछ सपोर्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो मैं तो शुरुआत करूँगा, इसको एक ट्रस्ट के रूप में मैं डालूँगा कि लोग इसमें डोनेशन दें, ओपन पोर्टल रहेगी, उस पर सारा खर्चाएँ जाएंगी, लोग देखें समझें जाने, ओपन कर दूँगा कि भाई आप देख लो क्या यहाँ, और आप जो पैसे मेरे लग रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपके जो लग रहे हैं वहाँ कहाँ जा रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, जो गरीब बच्चे, उनको कहूँगा कि 2 रुपया कमाओगे तो इसको बढ़ाओ, ये नहीं है कि मैं खोल के चला गया और 10-20-50 लाख रुपया लगा दिया और बाद में क्या तो वहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, कॉपी किताब बंद है, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, तो इससे विकास नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं ये पहल अपने गाँव में भी किया था कि मैं 15 कंप्यूटर दे के लाइब्रेरी बनवाया और लाइब्रेरी को मैं कनेक्ट करवाया अच्छे अच्छे पोर्टल से कि बच्चे पढ़ सके। बाद में उसका मैंने देखा स्थिति ये हुआ कि लोग इंटरनेट का भी रिचार्ज नहीं करवाते थे, लोग धीरे धीरे सब कंप्यूटर कहाँ कहाँ किनके पास चला गया भगवान जाने, तो वो नहीं करें। ये मैं इसलिए इस एग्जांपल को दे रहा हूँ कि इससे आप लोग समझिए, जानिए, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा अगर आप लोग के लिए अच्छा कर रहा है तो आप उसके हाथ में हाथ मिलाकर मजबूती से खड़ा रहिए और बढ़ावा दीजिए। हम लोग को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग को ज़्यादा फायदा है, उसको बढ़ाइए, पानी दीजिए। जी, बहुत सुंदर। देखिए, करने के लिए जिगर का होना ज़रूरी है। जब आप सोच लेते हैं, आप ठान लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जिगर का होना ज़रूरी है। बस सोच अच्छी होगी तो निश्चित तौर से बहुत कुछ अच्छा होगा और आपको सपोर्ट करने के लिए लाखों हाथ तैयार खड़े हैं। बस एक सोच अच्छी होनी चाहिए। तो एक सार्थक और पॉजिटिव सोच के साथ एक बहुत बड़ा जिगरा को लेकर अभिषेक जी हमारे बिहार में आए हैं। हालांकि बिहार के ही लाल हैं, लंदन में बसे हुए हैं और लंदन से कमा के, लंदन में जो इनका व्यवसाय है वहाँ से जो पैसा अर्न करके और एक बहुत बढ़िया संसाधन यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों को इसको स्कोप देंगे और निश्चित तौर से आप तमाम लोगों का यदि सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही सुंदर बिहार में इन्वेस्ट करने वाले तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि इन्होंने शुरुआत कोई एक ही व्यक्ति करता है, रास्ता कोई एक दिखाता है और उस लाइन पर चलने वाले हज़ारों लोग तैयार हो जाते हैं। और अभी भी जैसे फ़िलहाल तो मेरा म्यूज़िक चैनल चल ही रहा है, अगर आपके संपर्क में कोई भी अच्छा लड़का लड़की जिसमें टैलेंट हो और कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है तो हमारे पवन बाबा जो हैं उनके संपर्क से आप जुड़वाइए और हम उसकी वीडियो बनवा देंगे, शूट करवा देंगे ताकि लोग उसको जाने। तो ये सब भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस चीज़ का गम नहीं है कि उसका नहीं चलेगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, अगर इससे ज़्यादा तो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब फेंक देने का मतलब है खर्चा कर देते हैं। सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए ताकि तमाम लोगों के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है। लोग आजकल अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा फॉर्च्यूनर कैसे खरीदा जाए, मेरी बिल्डिंग कैसे बन जाए, मेरे पास पैसा कैसे आ जाए, लोग जाए भाड़ में। लेकिन आपकी दरिया दिली को भाई शुरू से ही हम तो इसको कहते हैं कि नहीं, आपकी दरिया दिली है, अच्छा सोच है और अच्छे सोच को निश्चित तौर से हमारा बिहार कदर किया है। और चूँकि आप बिहार के ही हैं तो निश्चित तौर से आप जानते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है, इनको भी सपोर्ट करिए और एक बहुत बड़ी खुशी की लहर अभिषेक सर के माध्यम से आपके भोजपुर वालों को मिलने वाली है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए और इसी तरह इनके तमाम विकास के कार्यों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।